4 जून 1984 दिन के तकरीबन 11 बजे ट्रिक रोड ट्रेन स्टेशन पर एक 30-35 साल औरत ने ट्रेन की पटरी पर आकर अपनी जान दे दी। उसके एक हाथ में कुरतुलैन हैदर की किताब शीशे का घर और दूसरे हाथ में अगरबत्ती का पैकेट। यकीनन ये खुदकुशी ही थी। 4 शादियां रेल की पटरी पर जिस्म के 4 टुकड़े बिखरे हुए, 4 नाकाम खुदकुशियों की कोशिश और 5वीं कामयाब कोशिश। कराची में खुदकुशी करने वाली ये पुरस्कार औरत कौन थी और इसने कराची में ही खुदकुशी की? मैं अपने बच्चों को लेकर कराची चली आई। कराची में आकर
काम शुरू किया, बच्चों की देखभाल करती रही। एक रोज बच्चों का बाप आया और उसने कहा कि वो बच्चों को लेकर जाना चाहता है। उसने कसम खाई कि वो बच्चों को चंद रोज में लौटा देगा। कई दिन गुजर गए लेकिन मेरे बच्चे नहीं आए। महीने गुजरे, फिर साल, फिर दो साल, और फिर कई साल गुजर गए लेकिन मेरे बच्चे वापस नहीं लौटे। मेरी कोख में दर्द उठता है जब मुझे बच्चे याद आते हैं। मेरे कबीले की कोख से जब सिर्फ चीख पैदा हुई तो मैंने बच्चे को गोद से फेंक दिया और चीख को गोद में ले लिया।
देखो मेरे बच्चे को क्या हुआ है। अच्छा तो घर क्या है? क्या लेकिन उसने आंखें तो खोली थी। हाँ लेकिन अब घर चुका है। पहले आप कसम खाइए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें कसम खाने वाली कौन
ये कहा था कि वो अच्छा शायर है, खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है। हाँ, कहा था। सारा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक, तलाक, तलाक। दे चुका। तो सुनो, मैं कसम खाती हूं कि मेरा तुम्हारे दोस्त के साथ कोई नाजायज ताल्लुक नहीं था। इस घर के दो दरवाजे हैं, एक से तुम निकल जाओ या दूसरे से मैं निकल जाती हूं। सारा की
जानकारी दी चाहे अनपढ़। इस शादी ये सारा की चौथी शादी और इस शादी का अंजाम भी वही हुआ जैसे पहली तीन शादी। कोई अंगूठी पहनकर नहीं,